पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों पर हुए संग्राम के बाद भी ईंधन की कीमतों का बढ़ना बदस्तूर जारी है। पेट्रोल और डीजल के दाम नित नए रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं। महाराष्ट्र के परभणी जिले में पेट्रोल का दाम 90 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जबकि मुंबई में ये कीमत 90 रुपए के करीब पहुंच गई है। पेट्रोल की बढ़ती कीमत देखकर ये कहा जा सकता है कि जल्द ही पेट्रोल के दाम शतक लगा सकते हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना ईंधन के दाम में बढ़ोतरी के लिए प्रमुख कारण बताया जा रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में तेजी के खिलाफ कांग्रेस ने सोमवार को भारत बंद बुलाया था। इस बंद में विपक्ष का 21 पार्टियों ने समर्थन किया। आपको बता दें कि इस बंद में विपक्ष ने ईंधन को सस्ता करने के लिए सरकारी टैक्स घटाने की मांग की थी। बंद के दौरान विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया, ट्रेनें रोकी गई और आगजनी भी हुई, लेकिन प्रदर्शन ज्यादा हिंसक नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने ये साफ कर दिया है कि फिलहाल वो ईंधन की कीमत पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि ईंधन की कीमत में करीब आधा हिस्सा केंद्रीय और राज्य सरकार के टैक्सों का होता है। तेल कंपनियों के अनुसार रिफाइनरी में पेट्रोल की लागत करीब 40 रुपए और डीजल की लागत करीब 43 रुपए बैठती है। केंद्र फिलहाल पेट्रोल पर करीब 20 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल पर करीब 16 रुपए प्रति लीटर का टैक्स वसूलती है। इसके ऊपर राज्य सरकारें वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट लगाती हैं। विपक्ष की मांग के हिसाब से अगर केंद्र और राज्य सरकार ईंधन पर लगे टैक्स को कम कर दे तो जनता को काफी राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल सरकार इस मूड में नहीं दिख रही, यानी पेट्रोल के शतक लगाने की भरपूर आशंका है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आने वाले आम चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब भी करें।